ऑरेंज वाली लाइट है हमारी जीपीएस की और रेड वाली है नेटवर्क की। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। आज की इस एक वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली बताया था, अपनी कार के अंदर कुछ सिक्योरिटी मोड सिक्योरिटी अपग्रेड्स मैं करने वाला हूं। आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं इंस्टॉल करने वाला हूं अपनी कार के अंदर ट्रैकर। कौन सा ट्रैकर है, कहां से लाया हूं, कौन सा ट्रैकर इंस्टॉल करूंगा, वो चाहे आपकी कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, सबके अंदर कर सकते हैं आप इंस्टॉल। ये रहा वो दोस्तों ट्रैकर। ये ट्रैकर है बाय वन लैब टेक्नोलॉजीज। वन लैब टेक्नोलॉजीज एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि बहुत इजीली आपको सारे के सारे ट्रैकिंग से रिलेटेड स्टफ्स अवेल कराती है। फिर चाहे आप अपनी कार के अंदर लगाना चाह रहे हो उसको, चाहे बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर, किसी मोटरसाइकिल के अंदर या किसी ऑटो रिक्शा के अंदर, किसी कार के अंदर, किसी ट्रक के अंदर, बस के अंदर। पहले तो मैंने इसको ऑलरेडी अनबॉक्स करके देख लिया, आपको बता दूंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जब इस एक बॉक्स को आप अनबॉक्स करते तो इसके अंदर आपको मिलता है कुछ ऐसा ट्रैकर, कुछ ऐसी फ्रेजाइल पैकेजिंग के अंदर। मैंने इसको ऑलरेडी खोल खाल कर देख लिया है इसके अंदर क्या क्या आता है क्या क्या नहीं। मैं ऑलरेडी इस सारी चीजों से कंफर्म हूं कैसे आपको लगाना है, क्या क्या लगाना है, सब कुछ आपको मैं इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने मंगवाया 3500 रुपीस का, जिसका एक साल का सब्सक्रिप्शन होता है। एक साल के बाद आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, आप रिन्यू करवा सकते हैं। वन लैप माइक्रो बाई, इधर आप देख सकते हो भाई किस तरीके का ये प्रोडक्ट है, क्या है। अगर इसके पीछे की तरफ मैं सारी डिटेल्स की बात करूं, फ्रीक्वेंसी, इसकी लोकेशन एक्यूरेसी, ट्रैकिंग, वॉकिंग वोल्टेज, एलईडी इंडिकेटर, स्टैंड बाय करंट, मेमोरी, सब कुछ आपको यहां पर बहुत इजीली मिल जाएगा। इसको मैं दोस्तों यहाँ पर अनबॉक्स करता हूँ तो अंदर की तरफ मुझे मिलता है कुछ एक ऐसा डिवाइस। इतना छोटा सा डिवाइस है दोस्तों, आप एक भले ढंग से देख सकते हो। और इसके अंदर जो दूसरी चीज हमें मिलती है, इसकी एक यूजर मैनुअल जो कि ये रही। इस यूजर मैनुअल के अंदर आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है। सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि आपको अपनी सिम कार्ड इंसर्ट करनी है। स्टेप टू के अंदर आपको इसे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करना है और अपनी कार के अंदर ट्रैकर को लगा देना है। स्टेप थ्री के अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन को सेटअप करना है, जिसको आप गूगल प्ले या फिर एप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हो। स्टेप फोर के अंदर आपको व्हीकल का बटन स्टार्ट करना है, व्हीकल का इग्निशन ऑन करना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं जो जो दिए हुए होते हैं। स्टेप फाइव के अंदर आपको एक व्हाट्सएप जनरेट मैसेज रिसीव होगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा और आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी मिल जाती है इसकी। क्यों जरूरी है दोस्तों इस एक चीज की सर्विस लेना, आजकल के जमाने में बहुत सारी गाड़ियां चोरी होती जा रही है, किसी के एलॉय चोरी हो रहे, तो किसी की कार चोरी हो रही है। इसके अंदर इनबिल्ट बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिससे आप अपनी कार को स्विच ऑफ कर सकते हो, चेक कर सकते हो आपकी कार कितनी चली है या आपकी बाइक स्कूटी कितनी चली है, ऑन हुई है नहीं हुई है, लास्ट बार कब ऑन हुई थी, कहां कहां गई थी, वो एक एक चीज आप भले ढंग से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको सेटअप इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, साथ में आपको एक केबल मिलती है। इस केबल के अंदर कुछ वायर्स होते हैं जो मैं ऑलरेडी खोल खाल कर चेक कर देख ही चुका हूं। इसको खोल देते हैं फटाफट। ये रही इसकी कुछ वायरिंग, ये यहाँ वायरिंग का प्लग है, ये रहा हमारा ट्रैकर डिवाइस। यहाँ जो निकलती हुई हमारी ये प्लग है, इसको सिर्फ हमने एज इट इज यूं प्लग कर देना है। कि निकलती हुई जो वायरिंग है, इसमें बीच में एक फ्यूज मिलता है आपको यहाँ की तरफ पावर वायरिंग के अंदर। इसमें चार वायरिंग है, चार में से आपने सिर्फ तीन वायरिंग यूज करनी है। एक येलो वायरिंग होगी, एक ऑरेंज वायरिंग जिसको आपको खाली रखना है, ऑरेंज वाली को आपको ब्लैक वाली को कार के नेगेटिव में या किसी भी अपने व्हीकल के नेगेटिव में कनेक्ट करना है। येलो को आपको इग्निशन से जोड़ देना है, रेड वाली को आपको अपनी बैटरी के 12 वोल्ट से जोड़ देना। अगर आप उसे हमेशा एक्टिव रखना चाहते हो तो इसे जोड़ दो, हमेशा वो ऑन रहेगा ट्रैकर। अगर आप चाहते हो जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या जब भी गाड़ी ऑन कर रहे हो तो ही आपकी ट्रैकिंग हो, तो इसको आप किसी दूसरी चीज से जोड़ सकते हो जो आपकी कार का इग्निशन ऑन होने के बाद ही चले, जैसे आप येलो और रेड को साथ जोड़ सकते हो। लेकिन खैर मैं आपको ये कहूंगा, ये जो रेड वाला हमारा वायर है, ये आप हमेशा बैटरी से हमेशा कनेक्ट रखो ताकि आपका व्हीकल हर वक्त ट्रैक करता रहे कहां गाड़ी है, किधर खड़ी है, अभी वो ऑन है या नहीं है। तो ये रहा हमारा कुछ ऐसा डिवाइस, यहां पर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा भाई इस डिवाइस को खोलने के लिए। छोटा सा हिंज है, इस हिंज को जैसे दबाते हो यहां पर आपको एक सिम कार्ड लगा हुआ मिल जाएगा। इसको मैं कर देता हूं बस यहाँ से बंद। यहाँ पर हम डिवाइस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जैसे मैं ऑन करूंगा इसके अंदर ऑलरेडी बैटरी भी रहती है तो अपनी बैटरी पर भी काम करता है। अभी मैंने इसको कहीं कनेक्ट नहीं करा है लेकिन ये ट्रैकर ऑन हो चुका है। अब मैं इसको वापस ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑफ हो चुका है। ये दोस्तों एक ट्रैकिंग डिवाइस बाय वन लैप। अंधेरा काफी हो रहा है, फटाफट लेके चलते डिवाइस को करते इंस्टॉल। मैंने यहाँ की तरफ कर दिया वापस डिवाइस को बंद। यहाँ से ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, सारी चीजें बैटरी पर भी ऑपरेट होती है। एक ऐसे सर्टेन टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो, यानी ट्रैकर का अगर कोई तार भी काट दे तो ये बैटरी पर भी चलता रहेगा। फटाफट लेके चलते करते इंस्टॉलेशन अपने ट्रैकर की, फिर मिलता हूं आपसे ऐप इंस्टॉलेशन के टाइम पर।
वायर जो आती है चार होती है, एक रेड जो कि बैटरी के पॉजिटिव में जाएगी, इसे हम स्टीरियो से ही लेंगे, नेगेटिव होगी हमारे ये भी हमें स्टीरियो से ही मिल जाएगी, जिसमें एक येलो वायर है जो कि हमें इग्नोर करनी पड़ेगी, साथ ही में एक ऑरेंज वायर है जो कि हमारे इग्निशन से कनेक्ट होती है। ये वाला जो मेरा मॉडल है जो मैंने मंगवाया ये माइक्रो है, मैं माइक्रो प्लस मंगवाता था तो इसके अंदर जो हमारी येलो वाली तार है वो हमारी 12 वोल्ट की रिले से कनेक्ट होती थी, इसके अंदर हमें कटआउट भी मिलता है, सारी चीजें इसके अंदर ही, मतलब आपको डायग्राम समझ आ ही रहा होगा किस तरीके से काम करता है। और ये सारा कुछ कनेक्शन मैं अपने स्टीरियो के पीछे से ले रहा हूँ। फटाफट अपने स्टीरियो को खोलते कार के फिर मिलता आपसे। कैसे इसका बॉक्स है आपने देख ही लिया ऑलरेडी, ये लाइट वेट है, जीपीएस ट्रैकिंग, एमटी के चिपसेट में आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन भी आता है। सो भाई कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के साथ ये रहा हमारा ट्रैकर। येलो वायर को मैं इस तरीके से टाई अप कर दिया मैंने, इसे टेप लगा देते हैं फटाफट। इसकी लोकेशन अगर दोस्तों मैं चाहता यहाँ नीचे की तरफ भी लगा सकता था, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मेरे को, एनीवे मेरे को ऑप्शन मिलता है, यहाँ मैं लगा सकता था इसका ट्रैकर, लेकिन मैं उसे नहीं लगाऊंगा यहाँ पर। इसका रीजन स्पेशली ये है कि काफी बार क्या होता है अगर किसी को चोरी भी करनी होती है उसको ट्रैकर विजिबल हो जाता है, दिख जाता है, यही एक रीजन है कि भाई यहाँ से मैं सिंपली तीन तार निकाल रहा हूँ अपने। स्टीरियो के पास इग्निशन के सिग्नल आते हैं, स्टीरियो के पास ही बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मिल जाते हैं। एक्चुअली में जो कपलर है मैं आपको वायरिंग एक बार दिखाता हूँ इसकी, तो इधर की तरफ मैं आपको लिटल लिटल समझा देता हूँ। जो इसकी ऑरेंज इग्निशन की वायर है वो हमारे मेरे स्टीरियो में वो रेड वायर मिलती है, मैंने वो यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। स्टीरियो के कपलर के पीछे जो काली कलर की तार मिलती है वो एक्चुअली में अर्थ देगी। यहाँ पे एक येलो कलर की वायर है जो कि एक्चुअली में डायरेक्ट सिग्नल फेंकती है 12 वोल्ट के, तो ये मैंने तीनों की तीनों तार कर दी इसमें कनेक्ट। और सबसे बड़ी बात है ये मेरा कंपनी का कपलर है और यहाँ से कंपनी के कपलर के बाद ये सारी जो चीज़ें हैं चालू हुई है। ये रहा सारा ट्रैकर, इसके बाद जो सारा कनेक्ट है और इसको मैं अंदर फेंक दूंगा, ताकि किसी भी तरीके से फेंक नहीं दूंगा, मतलब अंदर इसको बांध कर रखूंगा ताकि किसी भी तरीके से किसी भी चोर को कभी पता ही ना चले कि इस कार के अंदर कोई ट्रैकर भी लगा हुआ है। ये जीपीएस डिवाइस आपको प्रॉपरली हेल्प करता है, अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड स्टीरियो हो उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है आपको कुछ कुछ चीज़ें चेक करने की, और अगर इसमें आप प्लस वर्जन भी यानी माइक्रो खरीदते हो और हेल्प करता हो आपकी। भाई फटाफट इन तारों को कर देते हैं वायर। जो हमारी ऑरेंज वाली लाइट है वो कांस्टेंट है और रेड वाली फ्लैश कर रही है। अगर इसके सिंबल के अकॉर्डिंग देखा जाए ऑरेंज वाली लाइट है हमारी जीपीएस की और रेड वाली है नेटवर्क की दोनों रेडी है, सिम रेडी है। और यहाँ पर एक जो ऑन ऑफ का हमारा स्विच दिया हुआ है, इस स्विच को अगर मैं राइट साइड की तरफ स्विच करता हूँ तो ये हमारी बैटरी भी पावर ऑन कर लेता है, इनकेस अगर कार कभी भी ऑन नहीं है या फिर कार के पास बैटरी नहीं है या अगर इसको कोई प्रॉपर काट भी देता है तो इसकी बैटरी काम में लेने लग जाती है वो, जब तक वापस चार्ज नहीं होती तब तक बैटरी 4 घंटे चलती है, और 4 घंटे तक इसको चाहे कोई किसी कोने में फेंक भी दे आपको लोकेशन भेज देगा। तो इसे भाई मैं वापस कवर लगा देता हूँ। तो ये रहा भाई मेरा जीपीएस यहाँ लगा हुआ, मार दिया टेप, करता हूँ इसको बंद, फिर मिलता हूँ आपसे। The next day. ट्रैकर मैंने दरअसल अंदर की तरफ ही डाल दिया है अपनी कार के, हो सकता है मुझे एक बार इसको दोबारा से पैनल को खोलना पड़े। सेटअप करते टाइम के कुछ इंस्ट्रक्शन है बताता हूं क्या। जो ये वाला वेरिएंट मैंने खरीदा था इसके अंदर ऑलरेडी ही सिम इंस्टॉल्ड आती है, प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड इज ऑलरेडी इंसर्टेड इन द डिवाइस, तो ये वाले के अंदर ऑलरेडी सिम कार्ड डलाया आता है, तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं इसको ज्यादा सेटअप करने के लिए। आप सेम वर्जन खरीद सकते हैं, इसी का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे अगर क्यूआर कोड स्कैन करता हूँ तो ये मेरे को सीधा डाउनलोड करवा देती है उस एप्लीकेशन को। दूसरा ये यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर लिखा है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, सेम सीरियल नंबर मेरा डिवाइस के पीछे भी लिखा हुआ था तो वो मैंने निकाल लिया था ऑलरेडी। क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को रेडी करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर कैसे आप सेटअप कर सकते हैं अपने एक मोबाइल के ट्रैकर को। दोस्तों मैंने अपनी सारी एप्लीकेशन वगैरह डाल ही ली थी, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाई देता हूँ। अगर आपने ऑलरेडी सेटअप कर रखी है या किसी और फोन के अंदर आप स्विच कर रहे हो एंड्रॉइड से एप्पल में या एप्पल के किसी नए डिवाइस के अंदर, आपको सिर्फ साइन अप करने की नीड है। यूज कर रहे थे मान लो मैं इस फोन में और मैं अगर चाहता हूँ इस फोन के अंदर ऐड या यूज करना तो मुझे इसमें सिर्फ लॉग इन करना है, ये वाली एप्लीकेशन अपनी रिमूव करके लॉग आउट करके ऑब्वियसली इसमें यूज कर रहा था तो इसमें सिर्फ साइन इन कर लेना है। अगर मैंने अपना अकाउंट नहीं बना रखा तो मुझे सबसे पहले साइन अप पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आ जाता है, इन्फॉर्मेशन है, साइन थोड़ा सा जूम करके दिखा दियो भाई। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको एंटर करनी पड़ती है, अपना नाम वगैरह सारी चीजें, दिखा तो नहीं देगा लोगों को। फोन नंबर मांगता है ये और अब दिखा दूंगा, फोन नंबर मांगता है ये, पासवर्ड क्या क्रिएट कर रहे हो तो वो मैं दिखाऊंगा तेरे को भी भाई। एक ईमेल आईडी मांगते हैं, ईमेल आईडी हम यहाँ पे डाल देते हैं अपनी फटाफट जिस पे मैं चाहता हूँ। परमानेंट एड्रेस मांगते हैं मेरा क्या है क्या नहीं है, तो मैं अपना एड्रेस भी डाल देता हूँ इस पे, इनकेस मेरी गाड़ी चोरी चकारी होती है अभी कोई भी फर्दर मेरे को हेल्पफुल चीज़ें जो भी मेरी होगी, तो यहाँ पर एक मेरी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड डिटेल्स मांगता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं, सब कुछ लेजिटिमेट है। तो ये डाल दिया मैंने अपना पूरा घर का एड्रेस, फटाफट डाल देता हूँ। ये डाल दी भाई मैंने सिटी डाल दी, पिन कोड डाल देना है, मैंने पिन कोड भी डाल दिया। जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको इसमें जीएसटी एंटर करने की जरूरत है, अदरवाइज यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन रिक्वेस्ट ओटीपी। जब ये जाएगा तो यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा और यहाँ पे एंटर ओटीपी ऑप्शन आ जाता है, तो मेरा ओटीपी आ गया भाई यहाँ पे, मैंने ओटीपी यहाँ पे टैप किया और सीधा वेरीफाई कर दिया। अब ये मेरी यूजर क्रिएट हो चुका है, अब मैं जाकर अपने फोन नंबर से या फिर अपने ईमेल एड्रेस से साइन इन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे साइन इन ऑप्शन में हूँ तो मैं यहाँ पे फटाफट साइन इन कर लेता हूँ एप्लीकेशन के अंदर।
जब मैं ऐप लॉग इन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप नजर आती है भाई, इधर की तरफ आप देख सकते हो क्लियरली। मुझे यहाँ जाना ही दिखाता है, मुझे एड व्हीकल ऑप्शन आता है, यो एड योर ओन व्हीकल। यहाँ पे मैंने एक व्हीकल एड करना है अपना। ऑलरेडी ओन अ डिवाइस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैंने करना है, तो मैंने ऑलरेडी क्योंकि ले रखा है डिवाइस ऐड कर रखा है, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। अब ये मुझे सारे इंस्ट्रक्शन बता देगा, वेलकम शाहरुख, क्लिक ऑन ऐड बटन ऑन व्हीकल, क्लिक ऑन कॉल बटन टू टॉक टू योर कस्टमर केयर। और यहाँ पे सीधा मैंने एक प्लस का ऑप्शन दबाना ही आ जाता है। यहाँ पे लिखा है बारकोड स्कैन करने का, दो जगह होता है, एक ट्रैकर पे और दूसरा यहाँ पर होता है। ऑलरेडी मैंने उसकी फोटो ले रखी थी तो मैं इसको स्कैन करके ऐड कर देता हूँ फटाफट। ये मेरे को बता रहा है, सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कैसे कैसे शाहरुख आपको ऐड करना है, फटाफट ऐड कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। छोटे छोटे प्यारे से फीचर के बारे में बात करना चाहूंगा दोस्तों, इसमें तीन चीजें, इंजन एक्सेस, एंटी थेफ्ट, सेट सेफ जोन। जैसे मेरी कार अभी पार्किंग में खड़ी है तो ये मेरे लिए एक छोटा सा सेफ जोन हो सकता है। एंटी थेफ्ट एक फीचर है, इसको अगर मैं टर्न ऑन कर देता हूँ तो मेरी व्हीकल के ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी। अगर मेरी कार वहां से चोरी होती है या फिर कोई भी, जैसे मान लो अभी मेरी कार ऑफ है, देखो ठीक है, यहाँ देख सकते हो भाई बिल्कुल ऑफ है, मैं यहाँ रेव कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, चाबी मेरे हाथ में है। मैंने अपनी चाबी लगाई, ऑन करी, जैसी ऑन करी यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन पे मेरे पास फटाफट मैसेज आ जाएगा, ये देखो क्या करना है तुमने, क्या तुम ही हो ये जो गाड़ी ऑन कर रहे हो। अगर मैंने यहाँ पर टैप करा अलर्ट हजार्ड पे तो ये एक्चुअली में मेरी डिवाइस की लोकेशन और ढंग से ट्रैक करेगा। अगर मैंने कहा नो इट इज मी तो ये एक्चुअली में कुछ नहीं करेगा, कहेगा चलो ठीक है, एंटी थेफ्ट स्टॉप सक्सेसफुली। तो ये एंटी थेफ्ट आप उन सिचुएशन में यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए हो और आपको लग रहा है ये जगह सेफ नहीं है, ऐसे मेरी गाड़ी चोरी हो सकती है। तो जैसे कि हम अपने एक लंबे रोड ट्रिप पर जाने वाले हैं, हम भी 10 जगह अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, तो हमारे लिए हो सकता है कि कोई लोकेशन अच्छी हो, कोई बुरी हो, कुछ हो सकता है कि कहीं ना कहीं गाड़ी चोरी वोरी होने का खतरा ना हो, तो हम वो सारी चीजें इससे मैनेज कर सकेंगे। एक इसमें इंजन एक्सेस का फीचर दिया होता है, चाबी निकाल के अपनी गाड़ी बंद कर दी, इंजन एक्सेस मैंने ऑन करने के लिए अपना जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालना है। मेरा इंजन जब भी कभी ऑन होगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी, देखो इग्निशन ऑन अलर्ट बिलोज इंजन इज टर्न ऑन 6 PM एक्चुअली मैं बताता है और शार्प टाइम 6 बज रहे हैं। ये मेरा प्लस वर्जन नहीं था तो मैंने, मुझे नहीं लगा कि मुझे वो इंजन कट ऑफ वाले लेने की जरूरत है, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर ये ऑलमोस्ट सारी सारी चीजें बता रहे हैं, मेरा व्हीकल कितनी देर से ऑन है, नहीं है, कहाँ मैं गया हूँ क्या नहीं। फटाफट कुछ टाइम ड्राइव करते अपने व्हीकल को और फिर मिलता हूँ आपसे एक नई लोकेशन पे, क्योंकि फिलहाल की जो हमारी लोकेशन है यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें कर ली है। फटाफट चलते हैं, अपनी गाड़ी को घुमाते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे कि मैं अपनी कार को कहाँ ले आया हूँ। और अगर मैं इंजन को बंद करना चाहता हूँ, इंजन कटआउट होता है अगर प्लस वर्जन के अंदर, उसे यूज कर सकता हूँ। और अगर मैं वो नहीं भी करना चाहता तो मैं कुछ चीज़ें इंटीमेशन पे लगा सकता हूँ कि मेरी कार का अगर कोई इग्निशन ऑन करे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो मैं उस सही टाइम पे ही कोई सही एक्शन ले सकूँ, जैसा भी है वो कर सकता, तो ये बहुत हेल्पफुल है। ये सारी चीज़ें आपका फ्यूल कंजम्पशन वगैरह ट्रैक करने में भी बड़ी हेल्प करती है कि आपने कितनी गाड़ी चला ली, महीने में कितनी चला ली, दिन में कितनी चला ली, तो बड़ी हेल्पफुल है ये चीज़ें भाई, आप यूज़ कर सकते हो। फटाफट चलते हैं, अपनी कार को एक सेफ लोकेशन पे पार्क करता हूँ। अब भाई ये जगह ककरोला के एक स्कूल के अंदर है, वहाँ मैं खड़ी करता हूँ अपनी गाड़ी को, लोकेशन दिखाता हूँ आपको स्टैटिक्स के अंदर, आप खुद समझ जाओगे क्या है हिसाब किताब क्या नहीं है। यहाँ साइड में आ ही रहा होगा और कुछ इस तरीके से इसका हिसाब किताब चलता है। तो ये था भाई 10.87 किलोमीटर के आसपास मैंने कुछ ट्रैवल करा और एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर की, मैक्सिमम स्पीड 48 किलोमीटर की मैंने रोड पे चलाई। कुछ ऐसा था बताने का आपको, बाकी इसका सेटअप, ट्रैकिंग और इंस्टॉलेशन पार्ट मुझे बहुत ईजी लगा भाई। इस ट्रैकिंग डिवाइस को आप खुद भी खरीद सकते हो अपने लिए, अपने किसी फैमिली के लिए, किसी को गिफ्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आता है इसके अंदर, जो मैंने वो 3500 वाला ये लिया, इसका अपग्रेडेड वर्जन भी है, तो मेरे लिए ठीक था, मैंने ले लिया 6 स्टेप वाला, आप चाहो तो आप भी ले सकते हो। बाकी आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, परचेज करना चाहो तो इसी प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, परचेज कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, करते हैं इस वीडियो को इनके एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में। उन भैया ने भी देख भाई हेल्प कर दी, देख रहा है तू, आज देख रहा है भाई का जल जला, ये भाई भाई आज सब मदद कर रहे हैं भाई हमारी, देखो इतने अंधेरे में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए।